हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ हूँ आज क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में। यहाँ पे है विद मिनिएचर आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान, जयपुर से। आप अपना परिचय दीजिए आपका। ये जी, ये इनके आर्ट वर्क्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं ये। जैसे कि आप एक नज़र, मैं यहाँ पे क्योंकि फ़ोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो मैं एक केयरफुल वीडियो बना के, क्योंकि वाओ, फर्स्ट टाइम मैंने लाइक कॉटेज एम्पोरियम के बाद इतने सारे मिनिएचर पेंटिंग्स फ्लोरा एंड फौना के देखे हैं, लाइक वाओ, कितना डेलिकेट वर्क है। एंड आई मीन, मुझे इनके ख़ास तौर पे जो थोड़े से अच्छे लगे वो मैं वीडियो में थोड़ा क्लोजअप से ले रही हूँ। पैरट्स के मुझे बहुत अच्छे लगे, इनके फ्लावर्स के। एंड आज इनका लास्ट डे है यहाँ, तो मैं ये स्टैम्प पेपर पेंटिंग होती है जो मैंने पहले देखी है, ये फ्लावर्स का। वाओ, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये कोटली सीन्स है, एंड ये जैसे मार्बल पे सो ओके। मैं आपकी लाइक वाओ, ये कितना नाजुक काम है आपके जी। ओके, मैं आपका इंटरव्यू बिगिन करती हूँ जी। जी भैया नमस्कार, आपका नाम, आप अपना परिचय दीजिए और अपना कला का परिचय आप मुझे दीजिए कि ये आप कौन, क्या आपका नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना पुराना आपका आर्ट है, कैसे आपने सीखा, कौन आपके गुरुजी हैं, और लाइक ये क्योंकि राजस्थानी मिनिएचर्स के अलावा जयपुर की वॉल पेंटिंग्स, जयपुरी फ्रेस्कोस बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो मुझे कुछ बताइए। नमस्कार, मैं पवन प्रजापति, जयपुर राजस्थान से। ये मेरा पारंपरिक काम है, ये काम मैंने मेरे पिताजी से सीखा, और हमारी फैमिली में काफ़ी लोग ये काम करते हैं, और मेरे पिताजी ही मेरे गुरुजी हैं। और ये मिनिएचर पेंटिंग है जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स पे डिवाइड होती है, बहुत बारीक काम होता है मिनिएचर। मिनिएचर का मीन्स लघु चित्रकारी, छोटी चित्रकारी, तो ये मोस्टली स्कूल्स पे डिवाइड होता है। वो स्कूल्स अपने अपने कल्चर के हिसाब से डिवाइड होती है, जैसे